हाय गाइस, अजय शराव देसाई। आप सभी को पता चला होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जबकि पूरी इन्फॉर्मेशन एसपी जी ने ऑलरेडी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। और ये स्टेट की गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि पीएम का काफिला सेफली उनके स्टेट से निकले। पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि लोकतंत्र की व्यवस्था में इतना बुरा हाल है पंजाब की सरकार का कि आज देश का प्रधानमंत्री जो आज वहां पर इनॉग्रेशन करने जा रहा था उसके काफिले को जान पूछ करके सिक्योरिटी ब्रीच करके इन्फॉर्मेशन देके प्रोटेस्टर्स को वहां जबरदस्ती बुला करके आज आपने पीएम को थ्रेट करा है। आज पीएम की सिक्योरिटी को थ्रेट आज की डेट में मान सकते हैं। क्या चन्नी साहब पीएम साहब पर हमला करवाना चाहते थे? क्या चन्नी साहब उस काफिले पर हमला करवाना चाहते थे? क्या चन्नी साहब की नीयत हम माने प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं है? क्या मैं मानू चन्नी साहब खालिस्तानी एजेंडा के हाथों बिक गए हैं? क्या चन्नी साहब को ये रेपुटेशन याद नहीं कि वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका प्रोटोकॉल पीएम के नीचे आता है और उन्हें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में रहकर उनको रिस्पेक्ट करना है? शर्मनाक है। और उससे ज्यादा शर्मनाक है कांग्रेस के कुछ हैंडल्स जो इस बात को सेलिब्रेट करते हुए लिख रहे हैं कि हाउस द जोश, और इस तरह के घटिया हैंडल्स से इस तरह के स्टेटमेंट आना मतलब तय है कि ये कांग्रेस की पंजाब सरकार की चन्नी की सोची समझी साजिश थी। शर्म का दिन है, ब्लैक डे फॉर पंजाब लोकतंत्र, ब्लैक डे फॉर पंजाब सरकार। ऐसा दिन जिसमें आप खालिस्तानियों को पंजाब में वेलकम करते हैं और उनका स्वागत करके उनको बैठाते हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री जब आता है तो उसके काफिले को आप वहां पहुंचने नहीं देते हैं। मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र के लिए, खासकर आज हमारे लोकतंत्र के लिए, पंजाब सरकार की तरफ से इसे काला दिन समझा जाए कि आज आप डर गए हो, क्या आज आप घबरा गए हो। चन्नी को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, पूरी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है और आज हमारे पीएम की सिक्योरिटी को खतरे में डाला है। शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो। कांग्रेस मुक्त भारत भाजपा नहीं करेगी तुम्हारा, कांग्रेस मुक्त भारत तुम्हारी खुद की हरकतें करेंगी जो कि सारी जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में तुम्हें वहां पर सबक सिखा के रहेगी। हाय गाइस, अजय शराव देसाई। आप सभी को पता चला होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जबकि पूरी इन्फॉर्मेशन
एसपी जी ने ऑलरेडी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी और ये स्टेट की गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि पीएम का काफिला सेफली उनके स्टेट से निकले। पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि लोकतंत्र की व्यवस्था में इतना बुरा हाल है पंजाब की सरकार का कि आज देश का प्रधानमंत्री जो आज वहां पर इनॉग्रेशन करने जा रहा था उसके काफिले को जान पूछ करके सिक्योरिटी ब्रीच करके इन्फॉर्मेशन देके प्रोटेस्टर्स को वहां जबरदस्ती बुला करके आज आपने पीएम को थ्रेट करा है। आज पीएम की सिक्योरिटी को थ्रेट आज की डेट में मान सकते हैं। क्या चन्नी साहब पीएम साहब पर हमला करवाना चाहते थे? क्या चन्नी साहब उस काफिले पर हमला करवाना चाहते थे? क्या चन्नी साहब की नीयत हम माने प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं है? क्या मैं मानूं चन्नी साहब खालिस्तानी एजेंडा के हाथों बिक गए हैं? क्या चन्नी साहब को ये रेपुटेशन याद नहीं है कि वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका प्रोटोकॉल पीएम के नीचे आता है और उन्हें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में रहकर उनको रिस्पेक्ट करना है? शर्मनाक है, और उससे ज्यादा शर्मनाक है कांग्रेस के कुछ हैंडल्स जो इस बात को सेलिब्रेट करते हुए लिख रहे हैं कि हाउस द जोश, और इस तरह के घटिया हैंडल से इस तरह के स्टेटमेंट आना मतलब तय है कि ये कांग्रेस की पंजाब सरकार की चन्नी की सोची समझी साजिश थी। शर्म का दिन है, ब्लैक डे फॉर पंजाब लोकतंत्र, ब्लैक डे फॉर पंजाब सरकार। ऐसा दिन जिसमें आप खालिस्तानियों को पंजाब में वेलकम करते हैं और उनका स्वागत करके उनको बैठाते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री जब आता है तो उसके काफिले को आप वहां पहुंचने नहीं देते हैं। मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र के लिए, खासकर आज हमारे लोकतंत्र के लिए, पंजाब सरकार की तरफ से इसे काला दिन समझा जाए कि आज आप डर गए हो, क्या आज आप घबरा गए हो? चन्नी को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, पूरी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है और आज हमारे पीएम की सिक्योरिटी को खतरे में डाला है। शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो। कांग्रेस मुक्त भारत भाजपा नहीं करेगी तुम्हारा, कांग्रेस मुक्त भारत तुम्हारी खुद की हरकतें करेंगी जो कि सारी जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में तुम्हें वहां पर सबक सिखा के रहेगी।